पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का पेपर फोर है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में ऐसा सिमिलर पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, इनका मैटर भी मिलता है। इनके मार्क्स हैं टोटल 50 हैं, लेकिन 40 के लिए आपने थ्योरी में फाइट करना है, 10 के लिए इंटरनल असेसमेंट है। तो इस वीडियो में ये 40 की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके, मेरे ख्याल में पढ़ने चाहिए, कोई नहीं पढ़ रहा, चलो। टू हैव इनसाइट कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इन रिलेशन टू एजुकेशन, टू अंडरस्टैंड फीचर आइडियल वैल्यूज डाइवर्सिटी इन इंडियन एजुकेशन, टू एक्सप्लेन रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस एजुकेशनल कमेटीज कमीशंस एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज, ये बीएड एंट्रेंस टेस्ट में भी हमने पढ़े थे। टू एक्वाइंटेड विद द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, टू एक्वाइंटेड विद द करंट इनिशिएटिव बींग टेकन बाई इंडियन एजुकेशन एंड सेंसिटाइज टू इमर्ज इशू एंड ऑफ कंसर्न इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो सीधा पेपर जिसके आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं वो ये है। फर्स्ट यूनिट है कोर्स कंटेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये टीईटी के लिए इम्पॉर्टेंट हाँ एवरेज है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली। प्रीएम्बल पर तो नहीं, फंडामेंटल राइट पर नहीं, ड्यूटी पर नहीं, जो एजुकेशनल वैल्यूज पर हाँ क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें हमारे क्वेश्चन जो है 8 नंबर के बनने हैं। प्रीएम्बल पर क्वेश्चन बनता है पूरा, है ना, फंडामेंटल राइट्स पर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर, और कभी कभी फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों पर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, ये बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं। मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में सेम है, इनइक्वालिटी मार्जिनलाइजेशन ऐसे ही है, एनसीटी ने जो सुजेस्ट किया वैसे रखा है। इकोनॉमिक सोशल रिलीजियस एंड लैंग्वेज, इट मींस इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, ऐसे ही इकोनॉमिक सोशल रिलीजियस एंड लैंग्वेज इनइक्वालिटी मार्जिनलाइजेशन इनके बेस पर। मार्जिनलाइजेशन मीन के आप पावरलेस किसी पर्सन को कर देते हो, इनजस्टिस करते हो, एक्सप्लॉइट करते हो और उसे धीरे धीरे बाहर निकाल देते हो, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो जब किसी को मतलब घर में ही आप किसी पर्सन को इकोनॉमिकली कुछ फाइनेंस या कोई खर्चा नहीं देते तो घर में भी मार्जिनलाइजेशन हो सकती है। किसी से बातचीत नहीं करते तो मार्जिनलाइजेशन होती है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में एंट्री नहीं करने देते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन है, तो मार्जिनलाइजेशन होती है। किसी लैंग्वेज को नी बहुत डाउन साबित करते हो, किसी को ऊपर रखते हो, किसी की रिस्पेक्ट करते हो, किसी के नहीं, तो ऐसी बातें हैं। इंपैक्ट ऑफ एलपीजी गैस नहीं है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, देखिए तीनों कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, बेसिकली इकोनॉमिक से हैं। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हालांकि प्राइवेटाइजेशन ने बुरा हाल किया है, नॉन अटेंडिंग जैसा कर्ज कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत ही अच्छी बात ढूंढ के अपना बीएड का सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। स्कूल एजुकेशन मतलब एलपीजी इन ऑन स्कूल एजुकेशन, ये होगा कि इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन स्कूल एजुकेशन, इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ, है ना, स्कूल एजुकेशन, तो ये करेंगे साथ साथ में। यूनिट टू है पोस्ट इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 80, ये हमने बीएड में उसमें भी किए हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन नॉर्मली इनकी रिकमेंडेशन सुजेशंस जो यूनिक एमसीक्यू में, तो चलो मोस्ट यूनिक कंट्रीब्यूशन देखनी होती है उस पर एमसीक्यू बनता है, लेकिन यहाँ पर सारी रिकमेंडेशन पढ़नी पड़ेंगी। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 52-53 है, कोठारी एजुकेशन कमीशन 64-66 है, मोस्ट कॉमन ये कमीशन है, इनमें तो क्वेश्चन हर बार आएगा। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 68-86 और यहाँ 92 भी है, ये मेरे ख्याल में ये पता नहीं क्यों ऐड नहीं की गई। एनईपी 2020 गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने ऐड कर दी है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, देखो दोनों में फर्क है। ये है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, है ना, ये है, लेकिन वो है दूसरी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन 2005 का, अब तो यार 2023 का भी आ चुका है, तो मेरे ख्याल में पता नहीं ये रिवाइज क्यों नहीं किया, लेकिन ये जो 2005 का है इसमें भी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ही डोमिनेट करता है और अब भी वही करेगा और आगे भी वही रहेगा। थर्ड यूनिट है
अच्छा, इसमें थोड़ा थोड़ा टच जो है टीईटी का रहता है, एक बात इतनी ध्यान रख लेना कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये टीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टीईटी यहाँ लिख दिया, सीटेट हो, स्टेट टेट हो, कोई भी हो। तो दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर क्वेश्चन किसी न किसी ढंग से कभी 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 पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत कम। इस पर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। यशपाल कमेटी रिपोर्ट 93, लर्निंग विदाउट बर्डन, तो ये बीएड एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है, तो इसकी रिपोर्ट। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इनकी रिकमेंडेशन जो हैं वो मेनली पूछी जाती हैं। इसके क्वेश्चन जो आते हैं नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन हम करेंगे कि इसको यार पक्का कैसे याद कर लेना है, रिकमेंडेशन ऐसे कैसे करें कि पक्की याद हो जाए। कंटेम्प्रेरी इंडियन स्कूल्स टाइप्स फंक्शनिंग एंड प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट है ना। मेरिटोरियस स्कूल, अब स्कूल ऑफ एमिनेंस आ गए, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, प्राइवेट स्कूल्स, ऐसे करके टाइप्स करेंगे सभी। फंक्शनिंग उनकी क्या है ना, पर्पज़ होता है। जैसे नवोदय विद्यालय हैं तो रूरल एरिया के टैलेंटेड बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है। सर्व शिक्षा अभियान, अब ये बदल चुके हैं, सर्व क्या बन चुका है, अब नए नाम में इसको तब्दील कर दिया गया है। चलो खैर करेंगे। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है, टीईटी में मोहोस्ट, ये इम्पॉर्टेंट, रिपीटेड, इसके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, सिर्फ नाम लिखे हैं, इसके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। सेशन वर्क है, इंटरनल असेसमेंट, ईच स्टूडेंट अंडरटेक वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट ऑन एनी ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लाइक सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और मिड डे मील, इस पर रिपोर्ट लिखनी है। प्रेजेंटेशन ऑन वेरियस एजुकेशन पॉलिसीज, ये एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप चूज़ कीजिए 2020 पॉलिसी चूज़ कीजिए अगर करनी है तो। अंडरटेकिंग लोकल लेवल सर्वे ऑन इशू प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, वैसे मोर एम्पिरिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच ये वाली है। बाकी आपके टीचर जो गाइड कर सकते हैं करते हैं, है ना। तो ये बुक है, इनमें से जो पसंद है आप पढ़ सकते हो, लेकिन सारा मैटर हम डिस्कस करेंगे। ये आपका पेपर रहा जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का है, फोर्थ पेपर है ना, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ऑल मीडियम है, सब मीडियम है, और 3 घंटे का है, 40 मार्क्स हैं, वैसे ही हैं जो पिछले डिस्कस करके आए हैं। 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से दो दो क्वेश्चन होंगे, 2 में से 1-1 करना है, और लास्ट जो है 4 क्वेश्चन होंगे जो सारे सिलेबस में से होंगे। नेचुरली हर यूनिट में से एक दो 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 मार्क्स का होगा, और वो नॉर्मली 4 × 2 = 8 हो गए, और 8 × 5 टोटल हो गए आपके 40 मार्क्स। क्या आया है पिछले इस सेमेस्टर में, पिछले साल, ये एक्सप्लेन द इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। सिंपल है लेकिन बहुत लेंदी है। पॉइंट्स कैसे याद करने हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि अगर आप इनके इनइक्वालिटी के डिफरेंट पॉइंट बनाते हो, एजुकेशन इम्प्लीकेशन और इनके डिफरेंट बनाते हो, मैंने दोनों तरह बनाए हैं, आप देख लेना कैसे पसंद आते हैं आपको, और इसके कंबाइन भी हो सकते हैं। ये थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इस पेपर में। एक्सप्लेन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन मीटिंग दीज चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सभी दरवाजे जब खुल जाते हैं एजुकेशन के लिए कि हम बाहर जा सकते हैं, बाहर वाले यहाँ पढ़ने आ जा सकते हैं, ऐसी बातें ग्लोबलाइजेशन है और कुछ नहीं है, दरवाजों का खुल जाना। यूनिट 2 है, एलिसिटेट द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन विद रिस्पेक्ट टू स्कूल एजुकेशन, कुछ नहीं है, वहाँ से स्टेटमेंट उठाई यहाँ रख दिया। डिस्क्राइब द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विद रिस्पेक्ट टू करिकुलर एरिया एंड असेसमेंट, हाँ ये इन्होंने कर दिया कि डिलिमिट कर दिया कि सारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नहीं है, जो उसके एरियाज हैं, दो एरियाज को डिस्कस यहाँ करना है। इट मीन्स जब पढ़ना है तो इसके डिफरेंट एरियाज को सामने रखते हुए आप तैयारी करोगे, हम तैयारी करेंगे। डिस्क्राइब द पर्पज, 3rd यूनिट है, डिस्क्राइब द पर्पज एंड प्रोविजन अवेलेबल अंडर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा भी इसको बोलते हैं। समराइज द रिकमेंडेशन ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान फॉर हायर एजुकेशन, वही हैं, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, दैट इज़ वाई दिस इज नॉट डिफिकल्ट बट बोरिंग समवट, है ना। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, देखिए देखने में कुछ नहीं है लेकिन
न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, देखिए अभी कितना दुख की बात है कि 3.22 करोड़ बच्चे आज भी आउट ऑफ स्कूल हैं। तो ये पेपर उन बच्चों की प्रॉब्लम यूनिवर्सलाइजेशन को और जहां आपने टीच करना है उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, उनका दुख अगर समझोगे तो सच्ची है वो भी देगा और आपको जॉब भी देगी, है ना। जॉब नो डाउट सैलरी इज इम्पॉर्टेंट, बट आपको कुछ मतलब खुशी के लिए, कुछ भले के लिए, सर्विस के तौर पर भी ये साथ में रखना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर एंड क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट। सो सिंपल है ये क्वेश्चन, दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है। मेजर एजुकेशन प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू NPE 86, रिकमेंडेशन ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन, चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग सर्व शिक्षा अभियान। ये 4x2 मतलब दो दो मार्क्स के ये हैं। पंजाबी में, हिंदी में आप पढ़ सकते हो, ये रहा दूसरा यूनिट रहा, पॉज करके पढ़ लीजिए ना मेरे, आपको वीडियो नहीं लंबा होगा ऐसे हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट वाला, ये रहा ओके। ऐसे ही पंजाबी विच ए तुसी पढ़ सकते हो, सेम चीज़ है, बस तो ये ट्रांसलेशन होंगी है। पंजाबी वाले ने भी घबराना नहीं है, इनू देख लेना है। घबराना किसी ने भी नहीं है, घबराने लिए नहीं जिंदगी च जन्म लिया, इंजॉय करने लिए लिया है। इंजॉय इस तरह नहीं करना कि भविख बदल जाए। सो एनी टेंशन नहीं लैनी कदे भी, एनी नई टेंशन भी नहीं लैनी, उसमें मैनेज करना है, बेस्ट की कर सकते हो, उस तो बिना कदे भी बेस्ट नहीं हो सकता। थैंक यू।